नमस्कार बच्चों, आज हम ईस्टर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ईस्टर साइकिल लोअर मैमल्स में मिलने वाली सेक्सुअल साइकिल है। इस सेक्सुअल साइकिल के दौरान इन एनिमल्स में मेटिंग की इच्छा जागृत होती है, हीट पीरियड होता है। इसके साथ साथ यूट्रस और वजाइना में भी बहुत चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यूट्रस अपने आप को फर्टिलाइज्ड ओसाइट या एम्ब्रियो को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यूट्रस का इंटरनल लेयर जो है वो बहुत थिक हो जाती है, इसमें ब्लड वेसल्स, इसके साथ साथ ग्लैंड्स की संख्या बढ़ जाती है और यह पूरा प्रोसेस जो है वो ओवुलेशन से कुछ समय पहले ही पूरा हो जाता है। अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होता है फर्टिलाइज्ड एग का, तो ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर लौट करके आ जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग प्रजातियों में यह साइकिल थोड़े थोड़े अलग अलग समय के बाद होता है। एक ब्रीडिंग सीजन प्रजनन ऋतु में ईस्टर साइकिल या एस्ट्रस चक्र की संख्या के आधार पर इन मैमल्स या स्तनधारियों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले मोनो ईस्ट्रस, जिन निम्न स्तनधारियों में एक प्रजनन ऋतु में एक ही ईस्ट्रस चक्र पाया जाता है उन्हें मोनो ईस्ट्रस कहते हैं। अधिकांश वाइल्ड एनिमल्स मोनो ईस्ट्रस होते हैं, वाइल्ड डॉग इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप है डाई ईस्ट्रस। एक वर्ष में, एक ब्रीडिंग सीजन में यदि दो ईस्ट्रस चक्र पाए जाते हैं तो ऐसे स्तनधारियों को, ऐसे मैमल्स को डाई ईस्ट्रस एनिमल्स कहा जाता है। बिल्ली या कैट इसका एग्जाम्पल है। थर्ड कैटेगरी है पॉली ईस्ट्रस। अगर एक साल में या एक वर्ष में दो से अधिक ईस्ट्रस चक्र पाए जाते हैं तो ऐसे जंतुओं को पॉली ईस्ट्रस कहा जाता है। रैट्स, गिनिया पिग आदि इसके एग्जाम्पल हैं। रैट में 5 दिन में ईस्ट्रस चक्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, जबकि गिनी पिग में प्रत्येक 15 दिन के बाद ईस्ट्रस चक्र की अवस्था आती रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, ईस्ट्रस चक्र को कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समान ईस्ट्रस साइकिल को भी 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली स्टेज जो है उसे प्रो ईस्ट्रस, सेकेंड इज ईस्ट्रस, थर्ड मेटा ईस्ट्रस एंड फोर्थ वन इज डाई ईस्ट्रस एंड एन ईस्ट्रस। शुरू करते हैं प्रो ईस्ट्रस से। यह ईस्ट्रस साइकिल की फर्स्ट स्टेज है, इसे बिल्डिंग स्टेज भी कहते हैं। इस समय एग फॉलिकल जो है वो ओसाइट के साथ डेवलप होता है। इसके साथ साथ ओवरी में फॉलिकुलर फ्लूइड जो है वो भी वृद्धि करता है। ओवरी में विकसित होने वाले इस फॉलिकल में ओसाइट के साथ साथ फॉलिकुलर फ्लूइड होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन भी पाया जाता है। इसी अवस्था में साइमल्टेनियसली यूट्रस व वेजाइना जो हैं उनमें संकुचन होता है, साथ ही एक क्लियर फ्लूइड जो है जिसे सैंग्विस द्रव्य कहा जाता है उसका भी यहाँ पर स्रवण होता है। वेजाइनल एपिथीलियम में प्रोलिफरेशन होता है और ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो फॉलिकल से सिक्रीट होने वाले ईस्ट्रोजन हार्मोन के नियंत्रण में होती हैं। इस समय अगर हम इन फीमेल्स के वेजाइनल स्मीयर की स्टडी करें तो इसमें बहुत सारी न्यूक्लिएटेड एपिथीलियल सेल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये प्रोलिफरेशन द्वारा बनती हैं। इस स्टेज के को में मेटिंग संभव नहीं होती है। अगली अवस्था ईस्ट्रस पीरियड। ईस्ट्रस अवस्था जो है यह अवस्था हीट पीरियड भी कहलाती है। इस पीरियड के दौरान फीमेल जो हैं वो सेक्सुअली अपने आप को एक्टिवेट करती हैं। इस अवस्था में वेजाइनल एपिथीलियल और अधिक मोटी हो जाती है। इनकी कोशिकाओं के बाहर हल्का हल्का केराटिन जमा होने लगता है।
इस स्थिति में यदि हम बेजाइनल स्मेयर की स्टडी करें तो उस समय मिलने वाली न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो कॉर्निफाइड सेल्स के रूप में दिखाई देती हैं। इस अवस्था के दौरान यूट्रस में कंजेशन अधिकतम हो जाता है। इस स्टेज के दौरान ही ओवुलेशन होता है तथा फीमेल के प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है। ईस्ट्रस टाइम पीरियड या हीट पीरियड जो है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स में ये स्टेज जो है वो लगभग 9 डेज तक होती है। कैट्स में 9 से 15 घंटे तक ये अवस्था होती है और कैटल्स काउ इत्यादि में ये अवस्था जो है लगभग 24 से 48 घंटे तक की होती है। इस स्टेज के दौरान अगर मेटिंग फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस में प्लेसेंटा का निर्माण आरंभ हो जाता है और प्रेगनेंसी स्टेज गर्भावस्था आरंभ हो जाती है। अगर निषेचन नहीं होता है तो ईस्ट्रस चक्र की तीसरी अवस्था मेटा ईस्ट्रस आरंभ होती है। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल मेटा ईस्ट्रस। इस प्रावस्था में मुख्य रूप से ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम का परिवर्धन होता है। यह स्टेज ओवुलेशन के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। इस स्टेज में फॉलिकल सेल्स जो हैं वो कोशिकाएं एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। इस स्टेज के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कुछ कम हो जाता है और दूसरा ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। यह प्रोजेस्टेरोन कई तरीके के बॉडी में चेंजेस लाता है। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हुए हुए चेंजेस, यूट्रस में हुए हुए चेंजेस ख़त्म हो जाते हैं और इस स्थिति के अंदर वेजाइनल स्मीयर जो होता है उसमें केराटिनाइज एपिथेलियल सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलती हैं। कुछ एनिमल्स में जैसे रैबिट में फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद भी यूट्रस में कुछ परिवर्तन होते हैं, गर्भावस्था जैसे परिवर्तन देखे जाते हैं और इस स्थिति को सूडो प्रेगनेंसी कहा जाता है। ईस्ट्रस साइकिल की चौथी प्रावस्था की बात करते हैं जिसे डाई ईस्ट्रस तथा एन ईस्ट्रस स्टेज कहा जाता है। बेसिकली यह स्टेज जो है वो रेस्टिंग पीरियड है, एसेक्सुअल फेज है। पॉलीईस्ट्रस एनिमल्स में ये बहुत छोटा होता है और ये प्रिपरेटरी फेज है जिस फेज के अंदर नेक्स्ट ईस्टर साइकिल के लिए तैयारी की जाती है। इस स्टेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से निष्क्रिय होता है। नए सिरे से ओवुलेशन के लिए ओवरी में परिवर्तन होते हैं। इस स्टेज के दौरान यदि हम वेजाइनल स्मीयर की स्टडी करें तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स एपिथेलियल सेल्स के साथ म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है। रैट्स में यह स्टेज 4 to 5 days की होती है और उसके तुरंत बाद नई ईस्ट्रस साइकिल का आरंभ होता है। एन ईस्ट्रस का क्या अर्थ है? एन ईस्ट्रस अवस्था रेस्टिंग एसेक्सुअल पीरियड मोनो ईस्ट्रस एनिमल्स का जो होता है उसे एन ईस्ट्रस पीरियड कहा जाता है। मोनो ईस्ट्रस यानी जो वर्ष में एक ही बार हीट में आते हैं। यह अवस्था इन एनिमल्स में लंबी होती है और इसे रेस्टिंग एसेक्सुअल पीरियड के नाम से जाना जाता है। जब अगला ब्रीडिंग सीजन आता है तो फिर से ओवरी में चेंजेस होते हैं और नई ईस्ट्रस साइकिल का आरंभ होता है। तो इस प्रकार से यह था ईस्ट्रस चक्र का विवरण। ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर होता है इस बारे में भी अक्सर पूछा जाता है।
बेसिक डिफरेंस के हिसाब से हम तीन पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। नंबर वन, ईस्ट्रस चक्र निम्न श्रेणी के स्तनधारी जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि लोअर मैमल्स जो हैं उनमें मिलने वाली सेक्सुअल साइकिल को ईस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लास मैमिलिया के ऑर्डर प्राइमेटा यानी प्राइमेट्स में मिलने वाली फीमेल्स की सेक्सुअल साइकिल है, जो केवल और केवल प्राइमेट कैटेगरी के एनिमल्स में ही पाई जाती हैं। दूसरा अंतर, ईस्ट साइकिल के दौरान किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग पीरियड जो है नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक अवस्था ऐसी होती है जिसे ब्लीडिंग फेज कहा जाता है, और वजाइना के थ्रू ब्लड और ब्लड के साथ साथ बहुत सारे दूसरे सेल्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जो कि ईस्ट्रस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल से सामान्य तौर पर विभेदित करते हैं। धन्यवाद।